जानकारी मैं आपको आज की डेट में बताना चाहूँगा जो कि आपको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यानी UPRVUNL के द्वारा जो एडमिट कार्ड आने वाले थे, जो इसमें कि आपको सी ग्रेड और डी ग्रेड जैसे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए जो आपको वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड जो थी उसको डाउनलोड नहीं होनी रही थी, इस प्रकार से मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे, इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा। ठीक है, इसमें बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं तो उसके क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 19 मार्च को एक अपडेट आई हुई थी जिसमें कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी लिंक दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते थे, जो लिंक इस प्रकार से दिए गए थे, यहाँ अपना यूजर नेम डालते और अपना पासवर्ड डालते तो इसके द्वारा जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते थे। बट जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस प्रकार से इशू हो रहा है कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, लॉगिन का जो है कंडीशन क्रिटेरिया इसके बाद नेक्स्ट का नहीं आ रहा है, जिस कारण से परेशानियां हो रही है, उसके लिए भी जो है इसकी कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया है जो कि 20 मार्च यानी कल के डेट में। ठीक है, तो इसमें दिया गया है क्या है उसकी जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको ये 20 मार्च को ये जारी की गई है, इसमें लिखा गया है कि अगर लेखाकारी प्रशिक्षु फार्मासिस्ट टेक्नीशियन ग्रेड फिट द्वितीय फीटर इंस्ट्रूमेंट के पदों हेतु दिनांक 5 अप्रैल को जो आयोजित होने वाली CBT एग्जाम है, अगर डाउनलोड करने में परेशानी या उसके संबंधित और अदर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पर उनको मेल करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप डाउनलोड कर लें और किस प्रकार की ये इस असुविधा को सर आप अपने दूर कर पाए। ठीक है, मैं एक बार जो है आप जो ईमेल आईडी दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से उसको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, UPRVUNLRECET2021@gmail.com जी बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, इसी ईमेल आईडी पे जो है आपको ईमेल करने हैं जो भी इशूज आ रही है उस इशूज के संबंधित जानकारी के लिए। ठीक है, मेल करेंगे उधर से आपको कंफर्म मेल आ जाएगा जो इसमें आपको जो भी परेशानी हो रही, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो वो डाउनलोड उसके बाद हो जाएंगे। अब बातें हम आगे करते हैं कि अगर ये कितने समय में हो जाएगी आपकी मेल की रिप्लाई। ठीक है, तो जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी मेल की रिप्लाई जो है जल्द से जल्द ही की जाती है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जो है आपके ही वर्क के लिए ये पर्सनली इसी एग्ज़ाम या इसी प्रकार के और सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट किए जाने के कारण थोड़ी सी सर्वर डाउन चल रही है, जिसके कारण जो है एडमिट कार्ड में इशू आ रही है। तो निश्चिंत होकर के रहें, मेल करें, अगर कुछ इशू आती है तो आपको डाउनलोड में परेशानी नहीं होगी, डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, आगे इसी प्रकार से अगर कोई भी अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर जरूर बेल दबा लेंगे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितने हो सके शेयर करें जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किए हुए हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ।